हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद मैं अपने घर के काम करने में लगी थी। तो जी, फर्स्ट शिफ्ट की जो ड्यूटी होती है वो मेरी हो चुकी है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट लगी है और सेकंड शिफ्ट अपने घर के जो मेरा किचन का काम है मेनली, उसको ख़त्म कर रही हूँ। और आज बच्चों के लिए मैंने सुबह बनाए थे प्याज के पराठे, और प्याज के पराठे बनाने के बाद मैं लगी चाय वाय पीने। चाय पीने के बाद फिर जो दूसरी ड्यूटी स्टार्ट होती है घर को क्लीन करने की। देखो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद जो मेरे काम स्टार्ट होते हैं कि अपने घर को पूरा कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, वो वाली ड्यूटी होती है। और जब सुबह के टाइम की हालत आप लोगों को पता ही है, पूरा घर ऐसा उथल पुथल हुआ पड़ा होता है कि उसको समेटने में रोजाना का वही काम, सुबह उठो, बनाओ, खिलाओ, भेजो बच्चों को, और फिर घर को संभालने वाली जो हमारी सेकेंड ड्यूटी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बच्चे चले गए थे स्कूल और आज बच्चों को बना के दिए थे मैंने प्याज के पराठे, और प्याज के पराठे बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बच्चे ले गए प्याज के पराठे और उसके बाद पूरा किचन मेरे को साफ़ करना पड़ा, और क्योंकि प्याज वगैरह का काम हुआ था तो फिर साबुन से साफ़ करना तो बनता ही है। क्योंकि अब मैं दोपहर के खाने में देखती हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आटा वगैरह तो मेरा गूंदा हुआ है। और जब मैंने परात साफ़ करी थी ना, धोई थी, तो तभी के तभी मैंने थोड़ा सा आटा और गूंद लिया था, तो मेरा आटे का काम हो रखा है। सिर्फ अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो अभी मैं पहले ये सोच रही हूँ मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी ये जो किचन का काम करते करते, देखो जब भी हम कभी भी किचन में काम करते हैं ना, एक साथ कभी भी आप अपने ना कैबिनेट्स को या किचन की क्लीनिंग को एक साथ मत फैलाओ, क्योंकि एक साथ जब भी आप फैलाओगे ना तो काम इतना बढ़ जाएगा आपको मैं बता नहीं सकती। इससे तो सही रहेगा, जो भी आपकी कैबिनेट अगर जब भी फैल रही है, गंदी हो रही है, तो उसको हाथ के हाथ साफ कर लो थोड़ा थोड़ा सा। तो कभी भी जो ये वाले काम होते हैं ना, रसोई जैसे गंदी हो जाती है और एकदम हम पूरी फैला लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी आपको चीज़ें गंदी दिख रही हैं उसको हाथ के हाथ आप साफ करते रहो, रोजाना थोड़ा थोड़ा सा टाइम देके। तो कभी भी जो काम हमारे वैसे है ना कि आज जैसे बोलते हैं हमें किचन साफ करनी है, तो वो वाला बर्डन वाला हमारे लिए टास्क नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ओवन वगैरह पे भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, ये वाला गेट खुलता है ना और किचन का बैल्कनी वाला, तो इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं रह पाता। हर दूसरे दिन तो मेरे को इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो अभी जब मैं किचन क्लीन कर रही थी, तब मैं ऐसे सोच रही थी पूरा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं घर की सफाई पे लगूंगी। और अभी मेरे को करनी है मम्मी जी के इस रूम की बेडशीट वगैरह सही करनी है, दूसरी बिछानी है। आज ना मैंने ये सारी जो इस रूम की बेडशीट थी, पिलो कवर थे, वो सारे डाल दिए थे धोने। अच्छा, रोजाना ही देखो एक ना एक रूम की ना बेडशीट हो ही जाती है धोने के लिए। 2 दिन एक रूम की चलती है, 2 दिन एक रूम की चलती है, तो मतलब हर 2 दिन बाद ये जो साइकिल घूमती है ना बेडशीट धोने वाली मेरी, तो भाई भाई कमाल है। तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी जो बेडशीट धोने की ड्यूटी है ना, ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो अभी कपड़ों का काम जो मेरा था ना, वो लॉन्ड्री का, वो तो मैंने सुबह ही धो कर लिया जब बच्चे गए थे। तो चाय पीने के बाद जैसे मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ये है धुल जाते हैं तो भाई टेंशन ख़त्म हो जाती है। कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर लगती हूँ किचन में, किचन को समेटती हूँ, जो भी मेरा किचन का काउंटर टॉप वगैरह फैला होता है। वैसे तो काफ़ी हद तक ना, जैसे बच्चों का नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ, तो जो फर्स्ट राउंड की जो ड्यूटी होती है शिफ्ट की, जो सुबह से स्टार्ट होती है ना, वो उसी में ही मैं पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद मेरे को सिर्फ काउंटर साफ करना रह जाता है। क्योंकि काउंटर साफ करने में देखो टाइम लगता है, वो अच्छे से जो साफ करते हैं ना, वो वाली बात मैं कह रही हूँ, तो फिर काउंटर साफ करने की ड्यूटी रह जाती है। तो इसलिए रसोई का काम मेरा जो है काफ़ी हद तक मॉर्निंग में ही पूरा जो क्लीनिंग क्लीनिंग का होता है वो निपट जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं बेडशीट पूरी बिछ गई है सही से। अब बेडशीट बिछने के बाद तो देखो लुक ही चेंज हो जाती है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। आपके घर की पूरी सफाई अलग, और एक बार को बेडशीट आप अच्छे से बिछा देते हो दबा दबा के बिल्कुल सही से, तो बहुत अच्छी लगती है। और बस अब इसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू पोछा कर दूंगी, तो ये रूम की जो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह है पिलो वगैरह सही करने की, तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है। और ये वाला रूम क्लीन हो गया था, बच्चों वाला रूम क्लीन हो गया था, फिर बारी आती है मेरे हॉल वगैरह क्लीन करने की। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, क्योंकि कल थोड़ी सी धुलाई वुलाई हो गई थी सर्फ की, तो आज सिर्फ सिंपल पोछा ही लगाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और ना इधर कपड़े भी मेरे सूख गए थे,
तो देखो हम औरतों के रोज के ही वही काम होते हैं कि मैं यही सोचती हूँ कि भाई मैं कुछ अलग दिखाऊं, अलग दिखाऊं, और अलग क्या दिखाऊं, जो काम ही ये है मेरा पूरा दिन। मैं अपने और मेरा क्या, हर एक हाउस वाइफ का यही काम है पूरा दिन अपने घर को संभालने में, एक एक चीज को, कोई कहाँ फैल रही है, कोई कहाँ बिखरी हुई है, उसको समेटने में ही निकल जाता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ ही होता है कि हमारे, पता है क्या होता है, एक काम खत्म होएगा दूसरा, अगर बैठे हैं ना हम खाली तो चलिए यार यही कर लेते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, जब भी आप क्लीनिंग करो ना तो एक चीज़ जरूर ध्यान करना कि एक साथ आप कोई भी चीज़ मत फैलाओ। जैसे आप ना रोज का एक दिन बना लो कि हमें घर का एक कॉर्नर क्लीन करना है। अगर कुछ इस तरह से आप अपनी एक आदत में ऐसे शामिल करोगे ना, ये वाली हैबिट, कि रोज के घर का एक पार्ट आप ले लो, चाहे फ्रिज ले लो, चाहे अलमीरा ले लो, चाहे रसोई ले लो, चाहे बाथरूम ले लो, बालकनी ले लो, कोई सा भी एक है ना, एक कॉर्नर आप पकड़ लो, तो इससे क्या होगा, आपका जो घर है वो 24 घंटे साफ सुथरा रहेगा, कभी आपको घर ना गंदा नहीं मिलेगा। ये एक मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस शेयर करा है, एक्सपीरियंस करा है ना, वो ये है कि आप, और जब से मैंने ये व्लॉग्स बनाने शुरू करे तब से, तो खास कर के क्या होता है, आप एक साथ सारी चीज़ें फैला लो, चाहे आपको किसी रूम की सफाई करनी है ना, आप पूरा फैला लोगे, भाई अलमारी भी फैला ली हमने, कैबिनेट भी फैला ली, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर उस तरह से हमारी सफाई नहीं हो पाएगी। क्या होता है ना, जब हम एक कमरा फैलाते हैं फिर सोचते चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, भाई जल्दी से, वो कहते हैं ना एक टेंशन वाला काम जो होता है वो हमारा उतरे। तो इससे तो अच्छा है कि आप एक एक चीज़ ले लो, चाहे कोई सी भी ड्रॉर ले लो। अच्छा हम ये जैसे बहुत बार होता है हम ड्रॉर क्लीन करते हैं ना, तो ड्रॉर ले लो आप ड्रॉर क्लीन कर दी है एक दिन, आप ऐसा बना लो कि एक रूम की जो भी जितनी भी ड्रॉर हैं, चाहे मेरे ख्याल से हर एक रूम में होती हैं 2 या 3 ड्रॉर तो मिल ही जाएंगे आपको किसी भी रूम में, और ड्रॉर वगैरह क्लीन हो गई, फिर आप ले लो कि मेरे को बेड क्लीन करना है, या अलमारी क्लीन करनी है, या फ़ैन क्लीन करने हैं, ये कर लो कि एक दिन मेरे को ही फ़ैन ही फ़ैन पूरे घर के करने हैं, तो काम ना बहुत आसान हो जाएगा और घर भी आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहेगा। तो भी आप देख सकते हो मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा पूरे घर में हो चुका है। अब बारी आती है मेरे बैल्कनी क्लीन करने की, और यहाँ ये जो पोर्शन होता है ना, ये भाई सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि देखो पूरे घर की जब मैं सफाई करती हूँ लाती हूँ ना, तो यहीं पोछे का पानी लेती हूँ या झाड़ू वाड़ू लगा के गंद जो भी है। तो अभी आलू प्याज आए रखे थे, तो इनको ही मैं, जो टोकरी है आलू प्याज वाली, इसमें सिर्फ आलू प्याज ही रखते हैं, और इतनी तगड़ी गांठ लग रही थी ना इस आलू की थैली में, तो बड़ा टफ हो रहा था। एक तो मेरे नेल्स नहीं है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मैं 5 किलो आलू हर हफ्ते में मेरे तो लग जाते हैं, इतने आलू तो लगते ही लगते हैं, 5 किलो आलू के करीब। तो अभी कुछ आलू थोड़े से पुराने रखे थे, और ये प्याज, प्याज भी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एक भी प्याज नहीं थी। तो अभी आलू प्याज वगैरह सब लग गए हैं, और अब बारी आती है इसको धो दूंगी मैं बालकनी को, क्योंकि ये जो है ये मेरा फाइनल वाला काम है। और एक चीज़ ये और मैं कहूँगी कि आप जो भी अपने घर को क्लीनिंग करने के लिए पोचे यूज़ करते हैं ना, उसको हमेशा साफ रखिए, क्योंकि पोचे अगर साफ़ नहीं होंगे तो घर भी बिल्कुल साफ़ नहीं रह पाएगा आपका। और अच्छे से इधर जो भी सरफ का पानी मशीन में निकलता है, तो इस बैलकनी को तो ये मशीन के पानी से ही धुल जाता है। अब क्या है, ये मैजिक मोप जो है ना, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि पोचे धुले होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैजिक मोप हो गया चाहे दूसरे वाला पोचा हो गया, दोनों तरह के पोचे हो गए, इनको मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और अब क्या है, जो एंड का पानी था वो भी सारे, जो भी जितने भी डस्टिंग क्लॉथ थे या पोचे वगैरह थे, वो सब चीज़ें धुल गई हैं, और सबको अभी डाल देना है सूखने के लिए। और कपड़े भी जो मैंने मॉर्निंग में धोए थे, सारे के सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। देखो यही होता है जल्दी कपड़े धोने का एक फ़ायदा। अब क्या है, मैं यहाँ से निपटूंगी, तो इसके बाद मैं सारे कपड़ों को तय बना दूंगी, और प्रेस करने वाले होंगे तो उनको फटाफट से प्रेस कर दूंगी। तो ये होता है, मेरी सेकेंड जो ड्यूटी होती है, सेकेंड शिफ्ट की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है, और थर्ड शिफ्ट की ड्यूटी कौन सी होगी, वो होगी इवनिंग की। तो 3 टाइम में मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो बांट रखी है। तो बस अभी इधर जल्दी से पूरा जो पानी है ना, इसको सुखा लेते हैं, फिर चलेंगे अपने रूम में। बच्चों के जो कपड़े सूखे हैं, मेरे कपड़े सूखे हैं, उनको भी मैं साथ के साथ तय करके रख दूंगी। अच्छा इस वाली जो बालकनी को ना मैं पूरा सही से साफ़ करके सुखा देती हूँ, और बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल साफ़ होने के बाद। फिर क्या है, क्योंकि अब मैं पूरा दिन ये वाला गेट जो है मेरा बंद हो जाएगा, यहाँ से इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिर वही शाम के टाइम खोलूँगी 4:30 पौने 5 बजे के करीब,
तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ हो गया ना ये, तो बस अब जल्दी से इसमें अभी मैजिक मोप भी मैं थोड़ा सा घुमा दूंगी कि सूख जाए थोड़ा सा, ये रहता है ना जल्दी सूख जाता है मैजिक मोप से। वैसे तो बच्चे वगैरह है नहीं कि कोई पैर मनाएगा, बट ये है मैजिक मोप से अब किनारी वगैरह पे थोड़ा सा इसको रगड़ दें ना, जो थोड़ी बहुत काई वगैरह जमती है तो वो बिल्कुल हट जाती है। और ये जो मेरे पोछे थे ये भी मैंने धो दिए और इनको भी मैं सुखा दूंगी अभी सारे के सारे पोछों को। तो अभी ये वाले पोछा जो मैंने यूज़ करा था, फिर मेरे को याद आ गया चलो इसको एक बार धो ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत गंद बिल्कुल चिपटा हुआ ना रहे पोछे में, क्योंकि कल अगर मैं लगाने लगी और यही पोछा गंदा रहा तो फिर वही ये पूरा घर मेरा जो भी थोड़ा बहुत साफ भी होगा ना तो वो गंदा हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं रूम की तरफ और देख सकते हैं आप लोग ये कपड़े जो इतने सारे हो रहे थे, तो अभी बस फटाफट से इन कपड़ों को मेरे को तय बनानी है, जल्दी जल्दी से इनको तय करते हैं। तो जी ये होते हैं मेरे रोजाना के कपड़े, इतने ढेर हो जाते हैं क्योंकि देखो दो दो तीन तीन जोड़ी सबके ही हो जाते हैं बदलने के। देखो मेरे खुद के जैसे मॉर्निंग वॉक जाती हूँ वो सूट अलग हो जाता है, फिर आके मैं लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ और अभी मैं नहाऊँगी फिर मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी, फिर रात को नाइटी हो जाती है, तो ऐसे करके इतने मेरे तीन चार जोड़ी तो मेरे ही मेरे हो जाते हैं। और गर्मी में कपड़े होना तो देखो है ही, क्योंकि जब पसीने स्वेटिंग इतनी आती है तो भाई बिल्कुल मन नहीं करता गंदे कपड़े अलमारी में भी रखे जाए। तो मेरे तो कोशिश यही होती है जितने भी कपड़े होते हैं ना, चाहे बच्चे ही टी शर्ट वगैरह कुछ पहन रहे हैं गर्मी में, तो वो रखने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पहनी हुई टी शर्ट वगैरह का। तो बस अभी जल्दी से फटाफट से ये कपड़े सारे तय कर लूँगी और तय करने के बाद जो मेरा प्रेस करने का काम है वो भी मैं साथ के साथ ही ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो भी मेरा अब नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा मेरा किचन संभालने का, और उसके बाद मैं करती हूँ इसको व्लॉग को एडिट करती हूँ ये काम करने के बाद। तो कुछ इस तरह से मेरा जो पूरा दिन है वो बिज़ी कहते हैं ना, एक बिज़ी टाइम टेबल है, तो वो इस तरह से है। अच्छा इसमें क्या है कि जब कपड़े तय कर रही हूँ इसमें जो भी प्रेस के कपड़े निकल रहे हैं ना, इनको भी मैं छांट छांट के सारे कपड़ों को अलग रख रही हूँ, क्योंकि प्रेस करने वाले हैं उनको मैं प्रेस कर दूँगी। बेडशीट वगैरह है वो जो अलग कैबिनेट है वो उसमें रखे जाएंगे, मम्मी जी के अलग रखे जाएंगे, और इस तरह से सारे कपड़े जितने भी फोल्ड हो रहे हैं सबको अलग अलग कर करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी उठा उठा के ना सारे कपड़े उनकी जगह रख देना है मैंने। तो बस ये सारे कपड़े मैंने छांट लिए थे, अब क्या बारी आती है जो सॉक्सेस वगैरह होती हैं उनको भी मैंने ड्रॉर बना रखी है, तो वो सारी चीज़ें ड्रॉर में हो जाती है। और एक बात, जब भी मैं कपड़े जैसे भी अलमीरा में रख रही हूँ तो इनकी बच्चों की जो अलमीरा होती है ना वो तो हमेशा कभी भी मैं अगर खोलूँगी ना उनकी, सुबह साफ कर रही हूँ वो शाम को जैसे आएंगे दोपहर में आएंगे तो अपने कपड़े निकालते हैं, तो पूरी अलमीरा उनकी गंदी मेरे को मिलनी मिली है। तो इसका एक उपाय यही है कि आप जब भी कभी भी अपने बच्चों के कपड़े अलमीरा में रखते हो तो तभी साथ के साथ थोड़ी सी ठीक कर दो ना तो भारी नहीं होती। अब मैं देखो दोनों जो कैबिनेट है, चाहे कार्तिक की है चाहे डुगू की है, दोनों ही कैबिनेट को मैं पहले तो सही करूँगी, जहाँ भी चाहे उसके कपड़े फैल रहे हैं या कार्तिक के फैल रहे हैं सबको टी शर्ट को टी शर्ट की जगह लगा के रखूँगी और निक्कर को निक्कर की जगह रखूँगी, तो इस तरह से दोनों की जो कैबिनेट है वो सही हो जाती है। और मेरे जैसे मेरे भी खुद के सूट वगैरह होते हैं कई बार मैं निकालती हूँ तो थोड़ी सी मैसी मेरे से भी हो जाती है, और साथ के साथ मैं अपनी भी अलमीरा को सही कर लेती हूँ। तो जी चलिए अभी करती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और अगर किसी को भी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी कोई देख रहा है मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका क्या ही जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और ये जो कपड़े हैं ड्रेसेस हैं ये मैं रोजाना की तरह ना साथ के साथ प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को जैसे कल मॉर्निंग में स्कूल जाना है तो मेरे को ना ये ज़्यादा भारी नहीं रहेगा कि हाय मेरे कपड़े प्रेस नहीं है या कुछ भी है। तो चलिए अभी इसको जल्दी से फोल्ड कर करके प्रेस कर करके बिल्कुल ऐसे तय बना लो। पहले प्रेस करने का सबसे इजी वे क्या है, सब कपड़ों को उस इतनी ही अच्छे से तय बना लो कि बस फिर उसके ऊपर आपको जल्दी से प्रेस रखनी है और मारते चले जाना है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। रोज़ाना मैं यही बोलती हूँ, नए दिन के साथ नई शुरुआत करेंगे, और अपना अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। तो ये हैंकी वगैरह है ना इनको भी मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि सिकुड़े हुए हैंकी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और इनकी ड्रेसेस के साथ ही ना मैं साथ के साथ इसी में ही टांग दूंगी, क्योंकि जब ये सुबह के टाइम पता है दोनों लड़ाई करते हैं, वो उसका हैंकी ले लेगा वो उसका हैंकी ले लेगा, तो वो वैसे तो निकालने को 5-6 हैंकी निकाल रखे हैं, पता नहीं ये कहाँ कर देते हैं।
और किस किस के यहाँ हैंकी खोते हैं सबसे ज्यादा? मेरे यहाँ तो बहुत खोते हैं, इनको जितने मर्जी निकाल के दे दो सारे के सारे हैंकी ये दोनों के दोनों खो देते हैं। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स ऑफ।